तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यहाँ पर स्लिप से आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास है। जैसा कि आपने अगर आधार कार्ड नया बनवाया है, तो नया आधार कार्ड बनवाया है तो आपके पास तो आधार नंबर मिला नहीं रहता है। लेकिन आपके पास आधार नंबर नहीं मिला है तो वहाँ पर आधार नंबर के अलावा और यहाँ पर दो ऑप्शन होता है जिससे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्लिप मिला हुआ, तो उस स्लिप से आप आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे? इसमें चेंजिंग आ गया है डाउनलोड करने का तरीका। पहले आप डाउनलोड कर पाते थे, जैसे कि आपके पास स्लिप मिलता था तो एक्नॉलेजमेंट नंबर, टाइम, डेट सभी डालकर वहाँ पर आप डाउनलोड कर पाते थे। टाइम और डेट के माध्यम से ही डाउनलोड होता है वहाँ पर, लेकिन टाइमिंग और डेट दोनों वहाँ पर चेंज हो गया कि अब कैसे, तो कौन सी टाइमिंग और कौन सी डेट को कहाँ डालना है, अब इसमें बदलाव आ गया है। तो आपको डाउनलोड करने का एक अब इसमें आपको संपूर्ण तरीका बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा शुरू वाला रिक्वेस्ट में आपको कैसे डाउनलोड करेंगे, और जब उस तरह से डाउनलोड नहीं होगा तो आप दूसरे तरीका से डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर ये वेबसाइट आधार कार्ड का है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको uidigov.in का वेबसाइट मैं ओपन किया हूँ, और ओपन करने के बाद ये वाला myaadhar.uidigov.in ये वाला वेबसाइट ओपन करना होता है। चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आपको न्यू पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो पाया। न्यू पेज आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आपको यहाँ से अगर लिंक डाउनलोड करना होता है तो लॉगिन करने के लिए आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपको आधार नंबर चाहिए, तभी आप यहाँ से लॉगिन करके डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन इसके नीचे जस्ट आएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड, ऑर्डर पीवीसी, चेक आधार पीवीसी, चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस। जैसे आपने बनवाया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका बना है कि नहीं बना है। इसके बाद लोकेशन, इनरोलमेंट, आपको कहाँ कहाँ आधार कार्ड बनता है, बुक अपॉइंटमेंट। इसके बाद यहाँ पर रिसीव ईआईडी आधार कार्ड, और यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर वेरीफाई आधार है, वीआईडी जनरेट, इसके बाद लॉक एंड लॉक आधार। तो मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाऊंगा स्लिप से आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो स्लिप से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा, यहाँ पर जो यहाँ डाउनलोड आधार का सेक्शन है इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन है, जैसे पहला आपको आधार नंबर से डाउनलोड करेंगे, दूसरा इनरोलमेंट आईडी से, और तीसरा वर्चुअल आईडी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको जब आपने आधार कार्ड बनवाया है या सुधार करवाया है या अपडेट करवाया है किसी भी तरह का, तो आपको एक स्लिप मिलता है। स्लिप से आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है जो 16 डिजिट का होता है। तो उस 16 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर से आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो उसके लिए डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर स्लिप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस पर आएंगे और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर आपको टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना होगा, ये वाला जो कैप्चा है जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला कैप्चा, इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर स्लिप दिखाना चाहता हूँ कि स्लिप आपको किस तरह से मिला होगा। जैसा कि आपको इस तरह से स्लिप मिला होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ डिटेल मैं हाइड कर दिया हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिटेल हाइड करके रखा हूँ। यहाँ पर आप देख पाए कि यहाँ पर एक इकोनॉर्मल नंबर है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो ये इनरोलमेंट नंबर होता है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर जिसको बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो डेट दिया गया है इसको आपको डालना होता है, इसके बाद आपको डाउनलोड करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग में डाउनलोड करने के यहाँ पर कुछ चेंजिंग आ गया है। तो जैसे कि ये वाला पहले इनरोलमेंट नंबर पूरा आपको डालना होगा, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर पूरा डाल के शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनका पूरा इनरोलमेंट नंबर डाल चुका हूँ। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ से आपको डेट और टाइमिंग यहाँ पर आपको फिक्स करना है। तो डेट और टाइमिंग फिक्स करने में ही आपको समस्या आता है। जैसे मान लीजिए आज डेट कितना है, आज डेट है मान लीजिए इनका 22 तारीख यहाँ पर अपडेट हुआ था, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ 22 फरवरी 2022। ये इन्होंने 22 फरवरी 2022 में बनवाया था, और यहाँ पर टाइमिंग में डाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर इनका डेट और टाइमिंग दोनों यहाँ पर फिक्स कर लिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर इनका डेट इतना दूर से यहाँ पर डेट है, जैसे कि यहाँ तक आपको 22/22/2022 तक यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग है, और टाइमिंग यहाँ पर 10/38/26 है। तो आपको यहाँ पर कोई हाइफन फिक्स ये सब नहीं देना है, आपको इस तरह से टाइप करना है। और यहाँ पर आपको कैप्चा जो यहाँ पर शो हो पा रहा है, इस वाला कैप्चा को आपको इसी बॉक्स में फिलअप करना है जो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप फिक्स करेंगे, और यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है।
लेकिन देखिए मैं आपको जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ना यहाँ पर इसमें, उसी तरह से मैं डाला हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पर जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर आएगा एनरोलमेंट आईडी इज वैलिड, यानी कि वैलिड नहीं है, यहाँ पर नॉट वैलिड है, यानी कि आपको सही से डालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो देखिए आपको इस तरह से समस्या आता होगा, तो इस समस्या को आपको दूर करने के लिए आपको कैसे आपको फिलअप करना हो, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर स्लिप पर लेकर आता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर स्लिप देख पा रहे हैं, तो स्लिप में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सेम प्रोसेस है आपको सही उसी तरीका से करना है। मैं आपको एक यहाँ पर प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है ये, ठीक है, इस वाला बॉक्स में आपको मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको टाइप कैसे करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई एक कलर चूज कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये कलर ले लिया हूँ, और यहाँ से मैं टाइप करता हूँ आपको कैसे डेट और टाइमिंग डालना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 22 फरवरी 2022, तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2022 ऐसे टाइप करना है। इसके बाद आपको मंथ डालना है, जैसे कि 02 मंथ डाल लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि डेट डालना है, यानी कि कहने का मतलब है ना कि आपको देखिए पहले ऐसे पहले पहले डालना है वाई, ठीक है, वाई डालने के बाद फिर आपको डालना है MM, इसके बाद आपको डालना है क्या यहाँ पर DD, यानी कि इस तरह से आपको डाल लेना है। और जो टाइम है ना, टाइम को आपको कुछ नहीं कर, टाइमिंग आपको उसी तरह से रखना है जिस तरह से आपको टाइमिंग यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले सेकेंड से लेकर लास्ट तक आपको जितना होगा पूरा आपको डालना है। जैसे ही आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर पूरा डाल देंगे, और पूरा डालने के बाद आपको जो सही तरीका है ना यहाँ पर डालने के लिए टाइमिंग, तो टाइमिंग आपको इसी तरह से डालना होगा। आपको जो इस तरह से सही तरीका आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको टाइमिंग का जो तरीका है आपको इसी तरह से जस्ट एकदम डालना है। यहाँ पर ये वाला जो आपको दिखाया जा रहा है ये, इस वाला का आपको डेट डालना है इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट डाल के शो कर देता हूँ डाउनलोड करके। तो मैं यहाँ पर सही तरीका से जो मैंने अभी आपको बताया ना, उस तरह से यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर OTP सिंक सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर OTP का ऑप्शन आ गया होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको OTP डाल लेना है। एक बात और ध्यान देंगे कि आप जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पर जो ये वाला डू यू वांट अ मास्क आधार लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक नहीं करना होगा। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक्स एक्स की तरह आपको आधार कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डाल लेना है कि आप ये OTP जो चला गया है OTP को यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके शो कर देता हूँ। OTP डाल चुका हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई एंड डाउनलोड आ जाएगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। आपको इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पर डाउनलोड करने की यहाँ परमिशन मांग रहा है। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, और इस तरह से मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको कंग्रेचुलेशन, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुल डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड मेरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा कि जैसे कि आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको पासवर्ड में कैसे आपको डालना होगा। तो पासवर्ड आपको खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि योर नेम अनीस, तो यहाँ पर अनीस का ANIS तक, यानी कि 4 अंक तक बड़ा लेटर आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ तक आप डालेंगे, यहाँ तक आप पूरा डालेंगे। इसके बाद ये लास्ट का जो डेट ऑफ बर्थ वाला ईयर है ना, यहाँ पर चारों डालना है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जिस तरह से यहाँ पर डालकर बताया गया है, जैसे कि इनका ये, जैसे इनका नाम ये था और डेट ऑफ बर्थ ये था, तो इस तरह से आपको डालना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस तरह से आपको डाल लेना है। इस तरह से डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल के शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल चुका हूँ। इसके बाद सबमिट वाला पर क्लिक करें। यहाँ पर मेरे देखिए यहाँ पर आधार कार्ड मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जहाँ पर मैं आपको डाउनलोड करने के यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर जो डालने के लिए प्रोसेस बताया, वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा। मन में किसी भी तरह का अगर सवाल आएगा, डाउनलोड नहीं होता, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।